नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम सब कोई जानते ही हैं कि भारत में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। दोस्तों, ऐसे में हमें नई शिक्षा नीति की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2020 में कहे गए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो के लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो सबसे पहला बिंदु पे नज़र डालते हैं दोस्तों, जो कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कही गई है दोस्तों। तो वो कही गई है, दोपहर में भोजन के अतिरिक्त बच्चों को अब ब्रेकफास्ट भी मिलेगा दोस्तों। तो पहले बच्चों को स्कूल में दोस्तों मध्याह्न भोजन मिलता था, अब उसके अतिरिक्त ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो सेकेंड नंबर पर बात करें दोस्तों, शिक्षा के अधिकार का विस्तार करके इसे 1 से 12वीं तक किया जाएगा। देश भर में लगभग 10 लाख शिक्षकों के खाली पदों को भी भरा जाएगा दोस्तों, और सेमेस्टर सिस्टम भी लागू होगा दोस्तों। 12वीं के बाद बीएड 4 साल का होगा, बीए के बाद 2 साल का दोस्तों, और एमए के बाद 1 वर्ष का होगा। बोर्ड परीक्षा का भय कम किया जाएगा दोस्तों, ऑनलाइन मूल्यांकन भी होगी, और टीचर नियुक्तियों में साक्षात्कार अवश्य लिया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी है। प्रमोशन में भी विभागीय परीक्षा होगी दोस्तों। आगे बात करें यहाँ पर, गांव में तैनात शिक्षकों के लिए विशेष भत्ते दिए जाएंगे दोस्तों। शिक्षकों के तबादले बहुत ज़रूरी होने पर ही होंगे। शिक्षकों के लिए विद्यालय के नज़दीक आवास बनेंगे दोस्तों। पूरी देश में समान पाठ्यक्रम होगी। अध्यापकों के प्रशिक्षण में जोर दिया जाएगा दोस्तों। व्यावसायिक शिक्षा पर बल भी दिया जाएगा। और शिक्षक छात्र का अनुपात का यहाँ बात करें दोस्तों, तो वो 25:1 या फिर 30:1, मतलब 25 स्टूडेंट पे एक टीचर रहेंगे और 30 स्टूडेंट पर एक टीचर रह सकते हैं। तो यहाँ पर आगे बात करें, स्कूली स्तर पर 8वीं के बाद विदेशी भाषा के कोर्स भी लागू किए जाएंगे दोस्तों। निजी स्कूलों पर पहले से ज़्यादा नियंत्रण होगा। निजी स्कूलों के नाम में पब्लिक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अध्यापक पात्रता परीक्षा के बिना निजी स्कूलों में भी नियुक्ति नहीं होगी होंगे शिक्षक। शिक्षा मित्र, पारा टीचर, गेस्ट टीचरों की नियुक्ति नहीं होगी दोस्तों। गैर शैक्षणिक कार्यों से भी मुक्ति मिलेगी शिक्षकों को। आगे बात करें यहाँ पर, स्कूल प्रबंधन समिति अब निजी स्कूलों में भी गठित की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना, शिक्षा को अनिवार्य और 100% साक्षरता दर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित रहेगा। SSRA बनेगी, जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे, और 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, 2 ईयर बीएड और 1 ईयर बीएड कोर्स चलेंगे। ECCE के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से होगी। टेट लागू होगा अप टू सेकेंडरी लेवल। शिक्षकों को गैर कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी। BLO ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे। स्कूलों में MMC, MDMC के साथ SSMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। शिक्षक नियुक्ति में डेमो, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी, जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएंगे। ट्रांसफ़र सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे। ग्रामीण इलाका में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर। RTI को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें, और भी यहाँ पर हैं। मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों को दिया जाएगा, और 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी। फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूलों में शुरू होंगे। विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ विषय अनिवार्य होंगे। स्थानीय भाषा
भी शिक्षा का माध्यम होगी। एनसीईआरटी पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। स्कूलों में राजनीति और सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा और क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा, जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा। बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा कही गई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी होगी वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताएं कि ये जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है दोस्तों, इसमें क्या क्या खामियां और भी आपको नज़र आ रही हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं जो आपको अच्छी लग रही हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।